भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू पार्टी करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा, सोनिया गांधी राहुल गांधी कभी अयोध्या नहीं गए और अब चुनाव के समय इन्हें राम याद आ रहे हैं। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान, राम मंदिर बीजेपी का नहीं है बल्कि राम मंदिर सनातन धर्म का प्रतीक है। पर भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को चुनावी हिंदू पार्टी कहा। हुजूर विधानसभा से प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को राम की याद आ गई। 1992 में जब सेवकों के ऊपर गोली चली थी उस समय कमलनाथ कहाँ थे? उस समय कांग्रेस ने कहा था कि हम फिर से बाबरी मस्जिद का ढांचा तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी कभी अयोध्या नहीं गए और अब चुनाव के समय इन्हें राम याद आ रहे हैं। जब ये प्रचलित हो गया कि जो राम को लेंगे हम उनको लाएंगे, तो इन्हें भी राम याद आने लगे हैं। मुलायम सिंह की सरकार के समय गोली चली, कार सेवक हुए उस समय तब न की आपने? राम जन्मभूमि आंदोलन पर तमाम नेता और जिनको जेलों में डाला गया तब किए? पांच पांच सरकारें आपने गिराई, बयानबाजी करते रहे। चलिए बताइए कमलनाथ जी, आप अयोध्या गए? आप अयोध्या गए श्रीमान जी कमलनाथ जी? सोनिया जी गई राजा राम के दर्शन करने? राहुल भैया गए? या फिरोज खान के परिवार का कोई सदस्य और कमलनाथ जी कौन सदस्य गया रामलला के दर्शन करने के लिए? जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, गाने ढोल मजीरे शादी ब्याह सब में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जब चलने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा, तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल ली है और चुनावी हिंदू भी अब बोलने लगा है राम मंदिर तो राष्ट्रीय आस्था का प्रश्न। तो राष्ट्रीय आस्था थी तो पहले बनवा दिया होता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।